हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर डेली मार्केट शो। चलिए देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पोजिशनल कॉल से शुरुआत करते हैं। 5 डेज पोजिशनल कॉल के लिए कोटक सिक्योरिटीज की टेक्निकल रिसर्च टीम ने आज पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बाय करने रेकमेंड करा है। टारगेट अब सेट करें 337 और 350 के लेवल्स पर, और स्टॉप लॉस लगाना ना भूले 307 के लेवल्स पर। आज के फंडामेंटल कॉल को देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹6,735 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। चलिए आज के टेक्निकल कॉल्स एंड अपडेट्स को देखते हैं। ऑन द वीकली चार्ट इंडेक्स ने एक स्मॉल बेरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन फॉर्म करा है, वेयर एज ऑन द इंट्राडे चार्ट इंडेक्स ने डबल टॉप फॉर्मेशन फॉर्म करा है विच इंडिकेट्स पोटेंशियल वीकनेस फ्रॉम द करंट लेवल्स। मार्केट का मीडियम टर्म स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव साइड पे है, हेंस 23700 आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा टू वॉच आउट फॉर। अबव 23700 द मार्केट कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 23800 टू 24000 लेवल्स। आइडियल स्ट्रेटजी आज वुड बी टू बाय बिटवीन द लेवल्स ऑफ 23000 एंड 23200 विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 23000 लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हाउएवर कीप रिड्यूसिंग पोजिशंस इफ इंडाइसेस मूव टुवर्ड्स 23600 लेवल्स। फाइनली आज के स्टॉक्स एंड न्यूज को देखते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बोर्ड अप्रूवल मिल गया है टू रेज फंड्स अप टू ₹5,000 करोड़ वाया QIP, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। TVS मोटर्स ने एक अग्रीमेंट साइन करी है विद CSC ग्रामीण ई स्टोर्स फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल रेंज ऑफ 3-व्हीलर्स। जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला AI नेविगेशन मैप लॉन्च किया है फॉर ऑटो एंड मोबिलिटी इंडस्ट्रीज। आज 24 जून ओबेरॉय रियल्टी के फाइनल डिविडेंड का एक्स डेट है ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। इसी तरह रोज मार्केट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.